नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। दुमका में पानी के लिए अभी दो दिन करना होगा इंतजार। शहरी जलापूर्ति पर आश्रित लोगों को अभी सरकारी पानी के लिए दो दिन और इंतजार करना होगा। नगर परिषद ने शुक्रवार को आयुक्त आवास के पास टूटे 600 mm पाइप की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पानी की आपूर्ति के बाद नगर परिषद मामले की जांच कराएगी कि इतना बड़ा पाइप कैसे लीक हो गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी ने बताया कि इसकी जांच की जाएगी कि पाइप कैसे टूटा। अतिक्रमण हटाने को चलाया जाएगा अभियान। दुमका के समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता राजेश राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़कों की स्थिति, पुलों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट में सुधार, अतिक्रमण, नगर सौंदर्यकरण, ट्रैफिक पुलिस, बाजार में टॉयलेट बनवाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दुमका, पाकुड़, रामगढ़, हसडिया, गुहाजोरी, रामगढ़, दुमका, महारो, महारो बासीनाथ सड़क की मरम्मति के बारे में संबंधित सहायक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि इन सड़कों के मरम्मति का प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। टंगाल पाड़ा की युवती प्रेमी के साथ नासिक में धराई। 3 नवंबर को दूसरे समुदाय के युवती को शादी की नियत से लेकर भागने वाले दो बच्चों के पिता पंकज मानिक को नगर थाना के पुलिस ने नासिक से गिरफ्तार कर लिया है। कल डीएमसीएच में युवती की मेडिकल जांच कराई गई। आज आरोपित को जेल भेज दिया जाएगा। पर गोड्डा से नहीं सुलझी मेडिकल छात्रा पूजा की हत्या की गुत्थी। पतरातू डैम में मिली थी हाथ पैर बंधी लाश। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में शुक्रवार को विशेष जांच दल में शामिल अधिकारियों की टीम लोहिया नगर गोड्डा पहुंची। यहां मृत छात्रा के माता पिता रहते हैं। पूजा की मां अर्चना देवी ने इस दौरान अधिकारियों को बताया कि पूजा रोजाना सुबह, दोपहर और रात में वीडियो कॉल करती थी। घटना के दिन भी उसने सुबह 8:30 बजे वीडियो कॉल किया था। उसने कहा था कि 3 बजे तक परीक्षा चलेगी, इसके बाद फिर कॉल करेगी। जब 3 बजे पूजा का फोन नहीं आया तो उन्होंने खुद कॉल किया, परंतु मोबाइल स्विच ऑफ बताया। इसके बाद उन्होंने पूजा की दोस्त ज्योति वर्मा से संपर्क किया, जिसने बताया कि पूजा का कमरा बंद है। जब वार्डन ने दरवाजा खोला तो पूजा कमरे में नहीं दिखी। उसके अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना का रास्ता हुआ साफ। कोरा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। गोड्डा के महागावा के पास 30 किलोमीटर तक कॉल ब्लॉक मिलने की वजह से अटकी पड़ी गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना का रास्ता अब साफ हो गया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए पत्र भेजकर बताया कि गोड्डा पीरपैंती रेल परियोजना चिन्हित हो चुका है। यह प्रोजेक्ट बरकरार है। रेलवे भी इस प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहा है। वर्ष 2019 में 60 किलोमीटर लंबी गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का टेंडर महागामा के पास कोयला मिलने की वजह से रद्द हो गया था। गोड्डा में दुकान लूटने आए चोर के भाइयों ने की जमकर पिटाई, किया गया सम्मानित। झारखंड के गोड्डा में दो सवेगे भाइयों ने साहस का परिचय देते हुए उनकी दुकान में डाका डालने आए दो साथी हथियारबंद बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश ने दुकानदार को गोली भी मार दी, फिर भी नहीं छोड़ा। उनके इस साहस की पुलिस विभाग ने सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। पाकुड़ से पाकुड़ उपायुक्त ने कहा, वैक्सीन दिए जाने को लेकर विभाग से जारी गाइडलाइन का 100% पालन करें। सूचना भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने को लेकर तैयारी की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने प्रतिनियुक्त वैक्सीनेटर एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने वैक्सीनेटर को कहा कि अपनी भूमिका का ध्यान रखे, जिन्हें जो दायित्व दिया गया है उसका निष्पादन सही से करे। टीम के सदस्य मास्क, ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करे। उन्होंने बैठक में उपस्थित उस वैक्सीनेटर को उनके दायित्व की जानकारी ली। झारखंड के 10,000 शिक्षकों को वेतन पर लगी रोक, जाने इसकी बड़ी वजह। राज्य के प्रत्येक जिले में हाई व प्लस टू स्कूलों के सैकड़ों शिक्षक ई विद्या वाहिनी पर उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उपस्थित बनाने के बार बार निर्देश देने के बावजूद यह स्थिति है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विभिन्न जिलों के 9,240 शिक्षकों ने
20 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन भी उपस्थित नहीं बनाई है। उपस्थिति नहीं बनाने वाले पर सभी शिक्षकों का वेतन पर रोक लगा दी गई है। समीक्षा में यह स्थिति सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसे खेदजनक स्थिति बताया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान का हुआ शुभारंभ। पाकुड़ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के आह्वान पर 15 जनवरी से पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के निहित 15 जनवरी को पाकुड़ नगर के रिनडांगा बाजार स्थित शिव शीतला मंदिर में निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ भगवान श्री राम के भव्य महाआरती से श्री गणेश की गयी। जामताड़ा से नो हेलमेट तो नो पेट्रोल का सख्ती से हो पालन। हाल ही के दिनों में सड़क में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीसी फैज अहमद मुमताज ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। कहा कि जिले में तमाम ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करें ताकि ऐसी जगहों पर सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए साइन बोर्ड गति अवरोध अपना कर जोखिम को कम किया जा सके। आज से टीका दूर करेगा कोरोना का बीमारी। कोरोना महामारी के खिलाफ आज ऐतिहासिक दिन होगा। कोरोना से बचाव का टीका कोरोना योद्धा के रूप में पूरी महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवारत रहने वाले चिकित्सकों व कर्मियों को टीका दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कुल 5,190 डोज प्राप्त हो चुका है। प्रथम चरण में निजी व सरकारी अस्पतालों से जुड़े हेल्थ वर्करों का टीकाकरण सबसे पहले होगा। राजीव रंजन चौथी बार कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष चुने गए। जामताड़ा ओलंपिक संघ के जिला सचिव राजीव रंजन मिश्रा लगातार चौथी बार राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष चुने गए वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। जामताड़ा संत अंथोनी स्कूल प्रांगण में समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि पिछले दिनों बोकारो में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के चुनाव और AGM में राजीव रंजन मिश्रा अध्यक्ष चुने गए थे। देवघर से देवघर उपायुक्त ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के साथ सघन वाहन जांच का करे आयोजन। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आगामी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में सड़क हादसों को कम हुआ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड वोटर लिस्ट 2021 मतदाता सूची जारी। देखें सभी 24 जिले का वोटर लिस्ट। झारखंड में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। 1 जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मनाते हुए शुक्रवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें तमाम आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। अभी झारखंड में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई है इस मतदाता सूची के अनुसार पिछली जनगणना में राज्य के लिंगानुपात 947 बताया गया है, जबकि वर्तमान निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात 931 दर्शाया गया है। नई मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,35,39,328 है। इसमें 337 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पुरुष और महिला वोटरों की कुल संख्या 2,35,38,991 है। साहिबगंज से जूही बोना में लकड़ी लदा ट्रक हुआ जब्त। साहिबगंज के बड़रवा थाना क्षेत्र के जूही बोना गांव से पुलिस ने एक लकड़ी लदा 407 जब्त किया है। शुक्रवार को रांगा थाना क्षेत्र के वन से अवैध रूप से लकड़ी काटकर तेंदुआ विशनपुर शिवा पहाड़ जुबे होना होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने के क्रम में ग्रामीणों ने वाहन को रोक लिया। उसे छुड़ाने का लकड़ी माफिया ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी जीत पर अड़े रहे। इसके बाद इसकी सूचना बड़रवा थाने को पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर पोहिनी नितेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर लकड़ी लदे वाहन को जब्त कर थाना ले गए। वाहन पर लगभग 50 पीस कीमती लकड़ी लदी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।